के छात्र भाइयों और बहनों को अवगत कराना है कि आज हम क्रमिक अनशन के 16वें दिन में हैं। आज भी हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हमारी मांगे अध्याचन का पोर्टल खोलकर सीटों में वृद्धि कराने को लेकर एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर है। इसके लिए कल भी हम लोग जो है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शहर पश्चिमी के विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आवास पर गए थे और उनके द्वारा हमने अपनी सारी कथा कली का कल जो है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक भिजवा दिया। एक बहुत बड़ी सफलता है। आपने देखा होगा कि कल इसी उपलक्ष में चेयरमैन जो 14 दिनों से नहीं मिल रहे थे वो कल मिले और कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आज हमारा 16वां दिन है और आज पूर्व कैबिनेट मंत्री शहर पश्चिमी विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे क्रमिक अनशन स्थल पर क्रमिक अनशन को समर्थन देने और आपको संबोधित करने आएंगे। हमारा तार सीधे जुड़ गया है शासन से। जो भी समस्याएं रहेंगी यहाँ की उनके माध्यम से शासन तक पहुंचाकर हम अपनी बातों को मनवाने पर मजबूर करेंगे और इसके लिए जो जरूरत है वो है आपका आना। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस्लामाबाद की मुकद्दस जमीन पर मौजूद जहाँ जहाँ मेरे प्रतियोगी छात्र भाई बहन हैं जो अपने अपने कमरों में बैठकर इस इंतजार में है कि बस पोर्टल हमारे कमरों से निकलने तक खुल जाएगा, तो आपको आना पड़ेगा। सड़कों तक आइए और चलते चलते कदम बढ़ाते बढ़ाते चयन बोर्ड के गेट तक आइए, क्योंकि आपका आना बहुत जरूरी है। आपसे आग्रह है, ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ऐलाने जंग का आगाज हुआ है सीटों में वृद्धि को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर। इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और अपने अपने घरों से जल्द निकलिए, क्योंकि आप क्रमिक अनशन स्थल पर रहेंगे, यहाँ मौजूद रहेंगे, हजारों की भीड़ में रहेंगे, तभी हम जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री जी को अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे और यह एहसास उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। तो जो काम आपका 4 दिनों में होना है वो हो सकता है कि 4 मिनटों में हो जाए और 4 सेकंड में हो जाए। उसकी अपने